नमस्ते जी, कैसे हैं आप सब? गाइज वेलकम बैक टू माई चैनल। तो आज कटिंग करवाई यार, काफ़ी टाइम हो गया था। इतने बड़े बड़े बाल मैं रखता नहीं, लेकिन काफ़ी दिन हो गए थे यहाँ पे घूमते घामते, टाइम नहीं लगता था। तो आज हम फिर से आ रहे हैं बीच पे। आज एक बहुत ही अलग बीच है, अली बाग बीच। वहाँ पे स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ भी हैं और काफ़ी शांत सा बीच है। तो देखो और इन्जॉय करो ब्लॉग को। टाइम हो रहा है 3 बज रहे हैं और अभी हम जाएंगे और वहाँ पहुँचने में लग जाएगा 1 घंटा। फिर आगे बोट राइड है, बोट राइड भी 1 घंटे की है और फिर पहुँचेंगे हम अली बाग बीच। तो चलो चलते हैं और आज करते हैं आज का ब्लॉग को शुरू। अभी हम आ गए हैं अपने चर्च गेट स्टेशन पे। यहाँ से हमें मिलेगी बस और बस से हम जाएंगे बोट फेरी स्टेशन पे और वहाँ से बोट लेके सीधा आगे अली बाग बीच। ओके, तो अभी हम आ गए हैं अपने फेरी पॉइंट पे और यहाँ सामने है फेरी पॉइंट। ये देखो, ये है फेरी पॉइंट गेट नंबर 1 राइट साइड पे हमारा गेट पे, और यहीं से आएगी फेरी अली बाग के लिए। अभी टिकट पूछी हमने, 220 की टिकट लगेगा, 40 से 45 मिनट्स लगेंगे। और बाकी देखते हैं, ये है फेरी अपोलो कैटमैरन। तो यार अभी टिकट तो मिली नहीं है एक्चुअली। यहाँ पे उन्होंने बोला कि अली बाग रहने जाना है तो जा सकते हो, अगर नहीं जाना तो फिर अभी वापस ही नहीं मिलेगा, तो इसलिए अभी वो प्लान भी कैंसिल हो गया। तो देखते हैं अभी क्या करते हैं। अभी अगे चलना, ऊपर जाओ, ऊपर जाओ, ना कितना बजे इधर। तो अभी यहाँ पे हम बैठ चुके हैं ओपन डोर पास पे। इनको सब यही बोला रहे कहाँ बैठने आने वाले। तो चलो अभी करते हैं इस पर सफ़र, फिर आगे बताते हैं कैसा ऐसे एक्सपीरियंस पूरा हाइट। ये आ गया अपना ताज होटल, ये न्यू ताज बिल्डिंग, और ये है पब्लिक और हम ले रहे हैं नज़ारे। एंड दिस इज द ओशियन अरेबियन सी। ये देखो कितने अच्छे सेल्स हैं ना, सही चीज़ यही है बिल्कुल ताज के सामने से। एंड स्ट्रेट सामने देखो क्या नज़ारा है। ये हमारा ताज का राइट साइड, यहाँ पे स्टारबक्स और ये सारा पॉश एरिया एक तरह से। और इस बस का किराया है 150 रुपीज़। तो अगर आप उसमें ट्रैवल करें तो 150 रुपीज़ आपको देने पड़ेंगे। और धूप भी है अभी, ये देख लो, ये है चर्च गेट एरिया। यहाँ से सबसे नीरेस्ट जो स्टेशन है, मेट्रो स्टेशन है, वह है चर्च गेट। तो अगर आपको यहाँ आना है तो आपको चर्च गेट से उतरना पड़ेगा, फिर वहाँ से आपको बस टैक्सी कुछ भी मिल जाएगा, वो आपको बता देगी। यहाँ गेट वे ऑफ इंडिया, ये गेट वे ऑफ इंडिया के सामने से मिलती है बस, और ये 1 घंटे का पूरा ट्रिप होता है इसका। तो ये आपको जो मेन मेन चीज़ें हैं वो सब बता देंगे। और इसमें नीचे भी जगह आती है, ऊपर भी जगह आती है, लेकिन ऊपर बैठना तो ज़्यादा अच्छा लगेगा ऑब्वियस बात है। यहाँ नीचे ना पिज़्ज़ा मिल रहा है 40 रुपीज़ का, बड़ा सही छोटा सा पिज़्ज़ा मिल रहा है इससे एक बंदे के लिए। अरे राइट साइड में ना यहाँ पे इस जगह पे, यहाँ पे है रीगल सिनेमा। जो आपको बताया मैंने कि मुंबई का फर्स्ट एसी सिनेमा था वो रीगल सिनेमा था, तो यहीं पे अब इस पॉइंट को कहते हैं, मतलब इस एरिया को कहते हैं नरीवन पॉइंट। अरे देख लो नेशनल मॉडर्न आर्ट गैलरी इस साइड है, और यहाँ पे एक स्कूल है सैंड एनी स्कूल। मौसम देख रहा था, ऐसे मौसम ही आता है यहाँ मज़ा है इस पर बस पे। ठंडे डे चल रही हो, धूप में कोई मज़ा नहीं है। और एक्चुअली अभी है अप्रैल है ना, तो अप्रैल के बाद अभी क्या जून आया, जून और जून 15 जून से यहाँ बारिश शुरू हो जाएगी। तो अभी थोड़ा थोड़ा मौसम अच्छा सा रहता रहता है, देख मतलब बारिश वाला मौसम रहेगा रहेगा। उसकी वजह से क्या होता है कि यहाँ पर शाम को 2 बजे के बाद अच्छा हो जाता है मौसम, घूमने लायक मौसम आया। ये देख लो यहाँ पे आंकड़े स्टेडियम की साइड है,
तो मैं देख रहा था वानखेड़े स्टेडियम की टिकट, वो तो आज का शो आज मैच था देखने वाला, मैच था चेन्नई वर्सेस मुंबई इंडियन, लेकिन टिकट सोल्ड आउट है, क्या कर। तो ये शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का ये ऑफिस है, और ये आ गया हमारे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का हेड ऑफिस, और यहाँ पर कुछ फ्लैट वगैरह बिल्डिंग्स रेजिडेंशियल साइड मेट्रो काफ़ी काम लगा यहाँ पे, और जब मेट्रो काम हो जाएगा फिर तो यहाँ ट्रैफिक कम हो जाएगा, पर यार ट्रैफिक है भी नहीं है, मतलब मेरे को तो ठीक लगा, इतना तो नॉर्मल सिटीज में होता है होता है। और दूसरी बात यह है कि जब कल मैंने ड्राइव किया था जूम कार में, तो मेरे को मैंने फर्स्ट टाइम ड्राइव किया मुंबई में, तो मेरे को इतना खास ट्रैफिक लगा नहीं, इतना तो दिल्ली में भी है मेरे हिसाब से बाकी बता। और तब ठीक थे बी कार से, हम जब गए बैंड्रा गए तो हम बी कार में गए, 7 बज रहे थे तब, 7:30 का टाइम था, और बाकी मेट्रो काफ़ी ज़्यादा काम लगा हुआ है। और ये देख लो मौसम बहुत बढ़िया आज, तुम सही मौसम में आओ घूमने तो इट इज़ डेफिनेटली प्लस पॉइंट, अगर तुम ऐसे मौसम आते हो जहाँ पे धूप है तो यू विल नॉट एंजॉय दैट मच। दिस आर द रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स, तो अभी हम इस पर शायद इस पर हम एक्टर्स वगैरह के घर वगैरह देखें, तो जिसने बाकी वीडियोस में जिसको वहाँ पे क्लियर नहीं दिखा है, जहाँ वहाँ पे कई होते हैं इनको कि नहीं पूरी तरह पता लगता, इसमें पता लग जाएगा, ठीक है ना। बस आज ही घूमेंगे, इसके बाद अभी ये सब एक्टर्स वैक्टर्स ख़त्म कर देंगे, रोज़ ही एक्टर्स वैक्टर्स ही देखे आ रहे हैं। और ये देख लो इस साइड आप पीछे देख रहे हो, आपको ऊपर सिंबल दिख रहा है एयर इंडिया का, एयर इंडिया की बिल्डिंग है, और सामने फिर से घूम के आ गए हम, सामने समुंदर है, एंड दिस इज़ अगेन मरीन ड्राइव, और हवा चल रही है मस्त, थोड़ी थोड़ी धूप भी आ रही है, इट विल कंपनसेट ईच एंड एवरीथिंग। तो दिस इज़ मुरली देवराज चौक, और यहाँ से मरीन ड्राइव है, दिस इज़ अबाउट 4.5 किलोमीटर लॉन्ग ड्राइव, वेयर यू कैन वॉक एंजॉय, पीपल डू हेयर यू नो एंजॉय, दे डू एक्सरसाइज एवरीथिंग। आज समुद्र का और अच्छा व्यू आ रहा है, क्योंकि जो बाकी दिन थे जो कल हमने वीडियो में देखा उसमें हम साथ में ही थे, यहाँ पे क्या हो रहा है। अच्छा अच्छा ये आया हुआ है, ये आ गई हमारे चेन्नई सुपर किंग्स की बस, एंड यू विल डेफिनेटली सी धोनी फैन गए होंगे अभी, दिस इज़ द होटल ट्राइडेंट होटल, आज उनका मैच है तो हम नहीं देख पाए, जो हमारे इंडियन चेन्नई सुपर किंग्स टीम के प्लेयर्स हैं वो सारे रुके हुए हैं ट्राइडेंट होटल में, और आज मैच मैंने बताया था वानखेड़े में, हमें टिकट नहीं मिली, पता नहीं अपना नसीब है, वैसे मैंने देखे हुए हैं मैचेस, काफ़ी जगह मैचेस देखे हुए हैं, और टीम अपना फेवरेट प्लेयर मेरा तो नहीं है, मैंने उसके मैचेस देखे हुए हैं, टेंशन वाली बात नहीं, फिर कभी सही। ये देखो आप खड़े होकर दिखा रहे, ये देखो हम खड़े होके आप निकल रहे हैं, थोड़ा मज़ा, और हवा चल रही है सही से बड़ी सही, और बिल्कुल सही व्यू आ रहा है, ये है पीछे हमारा वानखेड़े स्टेडियम बिल्कुल होटल के पास, और यहाँ पर देखो ये है मरीन ड्राइव, शाम को इसको मज़ा आता है यहाँ पे, शाम को ही आता है, और वो देखो सामने मुंबई इंडियंस का लोगो लगा भी उसमें पानी, ये ख़त्म हो गया हमारा मरीन ड्राइव, इसके बाद कंस्ट्रक्शन शुरू है, और आप ही देखते हैं आगे कहाँ जाते हैं, ये मेट्रो ही है सारी पूरी मुंबई में मेट्रो को, आप ये सामने बिल्डिंग देख रहे हैं बहुत बड़ी सी, ये कोई रेजिडेंशियल एरिया कुछ नहीं, कोई बड़ी बिल्डिंग का ऑफिस किसी की नहीं है, ये एक हॉस्पिटल है, और ये बहुत ही फेमस हॉस्पिटल है यहाँ का, मैं सारा काम लगा हुआ है, अभी इस साइड समुंदर दिख भी नहीं रहा, बस इसके पीछे ही है, तो ये है गिरकम बीच, और ये जब मुंबई का ना सेकंड बड़ा बीच है, और यहाँ पे जितना भी हो जो गणेश भगवान के जो होते हैं ना विसर्जन होता है वो यहीं होता है, तो ये है वो बीच, और ये मरीन ड्राइव है जो शादी है,
तो ये देख लो काफ़ी बड़ा बीच है, लेकिन ये सेकंड नंबर का बीच है। फर्स्ट नंबर का जो है वो है जुहू बीच। अभी हम फिर से निकल पड़े हैं अंदर, और ये देख लो बिल्डिंग्स। ये देख लो मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स के फैन, और यहाँ पे एक्चुअली गेट है, गेट पे एंट्री होगी। आईपीएल भी अपने आप में ना एक फेस्टिवल है, मैंने देखा यहाँ पे। अभी हमारा ट्रिप हो गया क्लोज। एक्चुअली ये पूरा मरीन ड्राइव घूमा के, और मरीन ड्राइव से फिर पूरा घूम के हम गए आगे गिरगम बीच। गिरगम बीच से फिर आगे घूम के वापस। अभी ये है चर्च गेट स्टेशन, आगे छत्रपति शिवाजी का फेमस बिल्डिंग, और बस यहाँ पे बच्चे खेल रहे हैं, ग्राउंड है। ये है बस, ये देखो, ये है, ये देख लो भाई फेमस छत्रपति शिवाजी टर्मिनल। और ये हम घूम के फिर से आ गए उसी जगह। ये देखो मुंबई की चहल पहल शाम के टाइम, यहाँ बाजार, लोग, रश कुछ देखो, सब मर्सिडीज बड़ी बड़ी गाड़ियाँ। यहाँ पे लोग उतरना स्टार्ट हो गए। बड़ी बिल्डिंग वो है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, और ये बिल्डिंग है न्यू इंडिया इंश्योरेंस की। हमने भी इसी इंश्योरेंस से अपनी कार का इंश्योरेंस करवाया था, तैयार नहीं करवाना। देख लो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, यहीं पे लोग लगाते हैं पैसा डबल होने के लिए। और ये है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया इज़ डिफरेंट फ्रॉम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। देखो यार कितनी सही सही गलियों से निकल रहे हैं। ये सब ऑफिस वगैरह हैं यहाँ पे, रेजिडेंशियल ही नहीं है। देखो पुरानी बिल्डिंग है यहाँ पे। आ गए यहाँ पे ना, एक मूवी सिद्धार्थ मल्होत्रा और परिणीति चोपड़ा की मूवी है, वो तो शूट हुई है यहाँ पे, यही हो रही है यार। पता नहीं मेरे को मूवी का नाम ही याद आ रहा, वो भी यही शूट हुई है। वो है द एशियाटिक सोसाइटी फाउंडिंग 1804। वो हिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे, तो जो हिस्ट्री वगैरह पढ़ते हैं उनको पता होगा। एशियाटिक सोसाइटी सेंट्रल लाइब्रेरी भी हॉल है, और आप लेफ्ट साइड में देख रहे हैं ये बिल्डिंग है बहुत बड़ी, ये है नेवी की बिल्डिंग। अभी ये लेफ्ट साइड में पूरा नेवी का एरिया है, और इन्हीं के डॉकयार्ड वगैरह यहाँ पे। तो मैं उस तरफ से कैमरा पैन कर नहीं सकता,
लेकिन आप समझ आओ कि यहाँ पे लेफ्ट साइड में नेवी का एरिया है और यहाँ पे उन्नी का, मतलब इस पूरा समुद्र तक इस साइड से पूरा उन्नी का एरिया है। सैंट एंड्रयूज चर्च,